हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है जियो का फ़ोन मॉडल F90M। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे हम इसे चार्ज पे लगाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 50% शो करता है। ठीक है, हम आपको जैसे कि दिखा देते हैं। देखिए, हमने चार्ज पे लगा दिया और ये देखिए हमारा अब भी देखिए 50% शो कर रहा है। देखिए, हमने इसका जैक भी चेंज कर दिया और सारे पेंट भी मिला दिए, लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। तो हमने देखा बैटरी कनेक्टर की तरफ, तो बैटरी कनेक्टर का एक पॉइंट जो है बीच वाला वो टूटा हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले अब इसको चेंज करके हम देखेंगे। इसे चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो हम अलग ट्रिक या ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर को ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पेस्ट लगा लेते हैं और पेस्ट लगाने के बाद हॉट एयर गन से इस बैटरी कनेक्टर को निकाल देते हैं। अच्छी तरह से हीटिंग कर लेना गर्म, और एयर को ज़्यादा बढ़ाना मत, कम रखना। ठीक है, और भी पार्ट्स होते हैं ताकि वो रिमूव ना हो, अलग ना हो, अपनी जगह पर से हिल जाते हैं। काफ़ी टाइम ऐसे हो जाता है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे ही हीटिंग देना। देखिए, हमारा जो है बैटरी कनेक्टर रिमूव हो चुका है और अब सब पहले सफाई कर लीजिए बैटरी कनेक्टर के पॉइंटों को। और ये हमारा बैटरी कनेक्टर नया है। ठीक है, इसके तीनों पॉइंट हैं। ठीक है ना, और इसे हम लगा लेते हैं। सही तरीके से लगाइएगा आप, बिल्कुल पॉइंट और पॉइंट पर मिलने चाहिए, किसी एक दूसरे से टच होने ना पाए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा फ्लेक्स लगा के आपको आयरन की मदद से अच्छी तरीके से इसे सोल्डिंग कर देना है। फ्लेक्स की मदद से ये हो जाता है कि आयरन और सोल्डिंग जल्दी से हो जाती है। ठीक है ना, प्रिंट जो है जल्दी से हमारे सोल्ड हो जाते हैं, इसके वजह से फ्लेक्स हमें लगाना पड़ता है। हम अच्छी तरीके से सारे पिंटों को मिला लेते हैं। ये देखिए, हमारे जो है कंप्लीट हो गया, लग गया। देखिए, हमारे जो है तीनों पॉइंट सही तरीके से सोल्ड हो चुके हैं। देखिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, अब हम बैटरी लगाकर चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी 50% शो करने की, वो हमारी सॉल्व हुई है या नहीं। और अब हम चार्ज पर लगाते हैं। देखिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हमारा 0% से दिखा रहा है, ताकि बैटरी हमारी चार्ज नहीं है।